हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम कल के लिए कुछ इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। अगर आप कोई भी डिटेल को मिस नहीं करना चाहते तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रह सकते हैं। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। फॉर मल्टीबैगर स्टॉक्स रिकमेंडेशन, स्विंग मोमेंटम ट्रेड्स, स्टॉक पोर्टफोलियो क्रिएशन, कॉन्टैक्ट अस एट stockprotips@gmail.com। स्टॉक मार्केट अपडेट्स और इंट्राडे और स्विंग ट्रेड रिलेटेड स्ट्रैटेजी वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए स्टॉक प्रो टिप्स चैनल को और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। इस वीडियो में यूज किए गए ट्रेड सेटअप को सिर्फ इंट्राडे स्टॉक्स को पिक करने के लिए यूज किया गया है। अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हैं तब आपको नीचे दिए गए वीडियोस को जरूर रेफर कर लेना चाहिए। लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। करेंटली हम मेजर ग्लोबल इंडाइसेस को अपसाइड में ट्रेड करता हुआ देख सकते हैं। इसके अलावा हम निफ्टी 50 के फ्यूचर लेवल्स को इसके करंट क्लोजिंग से लगभग 75 पॉइंट्स के आसपास अपसाइड में ट्रेड करता हुआ देख सकते हैं। इस वजह से कल हमें मार्केट में एक तेजी देखने को मिल सकती है। तो हम इस वीडियो में ऐसे चार स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जिनमें कल आपको एक अपसाइड देखने को मिल सकती है। हमारे लिस्ट में जो पहला स्टॉक है वो है जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज लिमिटेड। आज हमें इस स्टॉक में लगभग 9% का एक अपसाइड देखने को मिला है। इसने 351 के लेवल्स पे अपना इंट्राडे हाई बनाने के बाद 345.7 पे अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। हम इसके वीवैप लेवल्स को काफी नीचे देख पा रहे हैं, इस वजह से कल भी हमें इसमें अपसाइड देखने को मिल सकती है। इसके अलावा हम इसके ऑर्डर बुक पे इसके बायर साइड में लगभग 1.02 लाख से भी ज्यादा स्टॉक्स को देख सकते हैं, इस वजह से कल हमें इसमें एक स्ट्रॉन्ग गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है। इसके टेक्निकल चार्ट में हम इसके सुपर ट्रेंड इंडिकेटर में और इसके ईएमए क्रॉसओवर के जरिए एक बुलिश ट्रेंड को देख पा रहे हैं। इसके अलावा हम इसके वॉर्टेक्स इंडिकेटर और एमएसीडी इंडिकेटर में भी एक स्ट्रॉन्ग बाय कॉल को जनरेट होता हुआ देख सकते हैं। इस वजह से कल ये इवन फर्दर अपसाइड में मूव कर सकता है, तो आप इसे कल बाय साइड के लिए कंसीडर कर सकते हैं। आज कोटक महिंद्रा बैंक में हमें लगभग 1.38% का एक अपसाइड देखने को मिला है। इसने 1423.45 पे अपना हाई बनाने के बाद 1413.15 पे अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। हम इसके भी वीवैप लेवल्स को इसके क्लोजिंग से 15 पॉइंट्स के आसपास डाउन साइड पे देख पा रहे हैं, इस वजह से कल भी हमें इसमें एक अपसाइड देखने को मिल सकती है। इसके टेक्निकल चार्ट में हम फिर से इसके सुपर ट्रेंड इंडिकेटर में एक बाय कॉल को जनरेट होता हुआ देख पा रहे हैं और इसके ईएमए क्रॉसओवर में भी हमें एक बुलिश ट्रेंड देखने को मिल जाता है। ये अपने वॉर्टेक्स इंडिकेटर और एमएसीडी इंडिकेटर में भी एक स्ट्रॉन्ग बाय कॉल को जनरेट करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, इस वजह से कल आपको इसमें एक तेजी फिर से देखने को मिल सकती है, तो आप इसे भी कल बाय साइड के लिए कंसिडर कर सकते हैं। आज हमें टाइटन में लगभग 2.17% का एक अपसाइड देखने को मिला। इसने आज अपना नया 52 वीक्स हाई 1195 पे बनाने के बाद 1186.45 पे अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। हम इसके भी वीवैप लेवल्स को काफी नीचे देख सकते हैं। इसके अलावा हम इसके ऑर्डर बुक में अभी भी 1240 स्टॉक्स को देख पा रहे हैं, इस वजह से कल भी आपको इसमें एक तेजी देखने को मिल सकती है, तो आप भी इस स्टॉक को अपना वॉच लिस्ट में बाय साइड के लिए कंसिडर कर सकते हैं। इसके टेक्निकल सेटअप में हम अभी भी इसके सुपर ट्रेंड इंडिकेटर और इसके ईएमए क्रॉसओवर में एक बुलिश ट्रेंड को देख पा रहे हैं। इसके अलावा अभी भी हम इसके वॉर्टेक्स इंडिकेटर में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल को देख सकते हैं, इस वजह से कल भी आपको इसमें एक फॉलो अप तेजी देखने को मिल सकती है, तो आप इस वजह से इसे भी कल बाय साइड के लिए कंसिडर कर सकते हैं। आज हमें एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में लगभग 3.4% का एक अपसाइड देखने को मिला है। इसने 493.4 पे अपना इंट्राडे हाई बनाने के बाद 490.75 पे अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। हम इसके वीवैप लेवल्स को नीचे देख पा रहे हैं, इस वजह से कल भी आपको इसमें एक अपसाइड देखने को मिल सकती है। इसके टेक्निकल सेटअप में ये भी अपने सुपर ट्रेंड इंडिकेटर और ईएमए क्रॉसओवर के जरिए एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड को फोरकास्ट कर रहा है, इस वजह से आपको कल इसमें एक अपसाइड देखने को मिल सकती है। इसके अलावा हम इसके वॉर्टेक्स इंडिकेटर और एमएसीडी इंडिकेटर में भी एक स्ट्रॉन्ग बाय कॉल को जनरेट होता हुआ दिख पा रहे हैं, इस वजह से कल आप स्टॉक को भी बाय साइड के लिए कंसीडर कर सकते हैं। यस्टरडे ग्लोबल इंडेक्सेस में देखे गए अपसाइड की वजह से आज हमें निफ्टी में भी एक अपट्रेंड देखने को मिला है। इसने आज 100 पॉइंट्स के अपसाइड के साथ 11,257.10 पे अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। करेंटली हम मेजर ग्लोबल इंडाइसेस जैसे कि डाउ 30, S&P 500 और नैस्टैक में भी एक अपसाइड को देख सकते हैं। इसके अलावा हम निफ्टी 50 के फ्यूचर लेवल्स को भी इसके करंट क्लोजिंग से लगभग 45 पॉइंट्स के आसपास अपसाइड में ट्रेड करता हुआ देख सकते हैं।
और हम फॉरेक्स मार्केट में भी इंडियन रुपी को डॉलर के मुकाबले स्ट्रांग होता हुआ देख पा रहे हैं। इसलिए कल हमें मार्केट में एक तेजी देखने को मिल सकती है और ये ऊपर के लेवल्स की ओर हमें मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। आज निफ्टी ने अपने 100 डेज के ईएमए लाइन को ब्रीच करते हुए अपसाइड में अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। अगर ये कल भी इस ट्रेंड को बरकरार रखता है और अपने 50 डेज के ईएमए लाइन को ब्रीच करने में कामयाब होता है तो हमें इसमें काफी बड़ा अपसाइड फिर से देखने को मिल सकता है। करंटली इसका आरएसआई लेवल 40 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है और अगर निफ्टी कल गैप अप ओपनिंग देता है तो ये लेवल कल और ऊपर की ओर मूव करता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। आज हम निफ्टी 50 के ऑप्शन चेन डेटा में करंटली इसके पुट साइड में 11,200 के लेवल्स पे 2.11 लाख पुट कॉन्ट्रैक्ट्स को ऐड होता हुआ देख पा रहे हैं। इस लेवल पे हमें 3.5 लाख कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स देखने को मिल जाते हैं। इस वजह से हम कल के लिए 11,200 के लेवल्स को एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल के तौर पर देख सकते हैं। इसके बाद हम इसके कॉल साइड में करंटली 11,300 के लेवल्स पे 75,000 कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स को ऐड होता हुआ देख पा रहे हैं और इस लेवल पे हमें 1.27 लाख से भी ज्यादा कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स देखने को मिल जाता है। इस वजह से हम कल के लिए 11,300 के लेवल्स को एक इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल के तौर पर देख सकते हैं। अगर निफ्टी इस लेवल को ब्रिज करने में कामयाब होता है तो हम निफ्टी को ऊपर के लेवल्स की ओर मूव करता हुआ देख पाएंगे। इसके बाद हम अगर बैंक निफ्टी के टेक्निकल चार्ट की ओर रुख करते हैं तो यहाँ पे भी हमें एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन आज इसने अपने 50 डेज के ईएमए लाइन के जस्ट नीचे 28,855.30 पे अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। हम इसके आरएसआई लेवल में भी एक अपट्रेंड को स्टार्ट होता हुआ देख पा रहे हैं। करंटली ये 42.92 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो अगर कल निफ्टी में एक पॉजिटिव ओपनिंग हमें देखने को मिले तो इसमें भी इसका रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिल सकता है और ये भी अपसाइड में आपको मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके ऑप्शन चेन डेटा में करंटली हम इसके पुट साइड में 28,700 के लेवल्स पे 15,800 कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को देख पा रहे हैं और इस लेवल पे हमें 15,000 से भी ज्यादा पुट कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वजह से हम कल के लिए 28,700 के लेवल्स को एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल के तौर पर देख सकते हैं। इसके बाद करंटली हम कॉल साइड में 29,000 के लेवल्स पे 36,240 कम्युनिटी कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स को ऐड होता हुआ देख पा रहे हैं और इस लेवल पे हमें 46,000 से भी ज्यादा कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स देखने को मिल जाते हैं। इस वजह से कल के लिए हम 29,000 के लेवल्स को एक क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल के तौर पर देख सकते हैं।